सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आपने भी ये कहावत कई बार सुनी होगी और गंगा सागर तीर्थ जाने का मन बनाया होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय रेल और IRCTC कोलकाता गंगा सागर यात्रा रेल टूर पैकेज का संचालन करने जा रही है, जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा किया जाएगा। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु गंगा सागर और कोलकाता के साथ ही बैद्यनाथ धाम, विष्णुपद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और राम जन्मभूमि के दर्शन कर सकेंगे। 25 मई 2023 को आगरा कैंट से आरंभ होने वाली ये यात्रा 9 रात 10 दिन में पूरी की जाएगी। इस ट्रेन में द्वितीय एसी और तृतीय एसी श्रेणी के साथ ही शयनयान श्रेणी के कोच होंगे, जिनका किराया 17,008 रुपए प्रति व्यक्ति से आरंभ होगा। इस ट्रेन में यात्रा के लिए यात्रियों को आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या कैंट और काशी से बोर्डिंग डीबोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रा के दूसरे दिन ये ट्रेन जसीडीह पहुंचेगी, जहां से यात्रियों को बैद्यनाथ धाम के दर्शनों के लिए ले जाया जाएगा। वहां से रात में ट्रेन अपने अगले गंतव्य गया के लिए प्रस्थान करेगी। तीसरे दिन गया पहुंचकर यात्रीगण विष्णुपद मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला होटल में रहने की व्यवस्था होगी। अगले दिन पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन लाभ लिए जा सकेंगे। यात्रा अवधि के पांचवें दिन यात्रीगण विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करेंगे, जहां से ये ट्रेन रात्रि में कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा के छठे दिन ट्रेन कोलकाता पहुंचेगी, जहां से यात्री उपयुक्त परिवहन से गंगा सागर तीर्थ की ओर चलेंगे। पवित्र गंगा सागर और मंदिर के दर्शन के पश्चात श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रात्रि विश्राम गंगा सागर में ही होगा। यात्रा के सातवें दिन श्रद्धालुओं को कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिर के दर्शन होंगे और उसके उपरांत यात्रा बनारस के लिए प्रस्थान करेगी। आठवें दिन विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक बनारस के घाटों के अनुपम दृश्यों का आनंद लेने के साथ ही यात्रियों को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपनी यात्रा के नौवें दिन ये गाड़ी अयोध्या धाम पहुंचेगी, जहां से सभी भक्तजन भगवान राम की जन्मस्थली के दर्शनों के साथ ही हनुमानगढ़ी, स्थानीय मंदिरों और सरयू आरती के दर्शन कर पाएंगे। इन मनोरम आस्था केंद्रों के दर्शनों के बाद ये ट्रेन अपनी वापसी की यात्रा की ओर प्रस्थान करेगी। इस यात्रा सेवा में सम्मिलित सुविधाएं कुछ इस प्रकार हैं: द्वितीय, तृतीय एवं स्लीपर श्रेणी में यात्रा का प्रावधान, शाकाहारी भोजन, ठहरने की व्यवस्था, बसों द्वारा भ्रमण, यात्री बीमा। अधिक जानकारी और ऑनलाइन बुकिंग के लिए यात्री IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com/bharatgaurav ब्राउज करें या स्क्रीन पर दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत